बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सरदार शाहवेज आज एक नई अपडेट के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से या ऑन गोइंग जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, आप तमाम अहबाब को बर वक्त अपडेट्स मिलती रहे। ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है या ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा जाती तजर्बा क्या है, तो आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जितने मेंबरान ने ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की वो फायदे के अंदर है या नुकसान के अंदर है या आने वाले वक्त के अंदर ब्लूवर्ड सिटी के अंदर क्या होगा। तो नाज़रीन, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितने भी रूमर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो हम सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मुखातिब होते हैं। आप लोगों के सामने जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो डे पर डे जो है वो अपडेट्स आप तमाम अहबाब को देते हैं। तो नाज़रीन, ब्लूवर्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 1 लाख कनाल के ऊपर बनने वाला, मेन चक्री रोड के ऊपर जो है उसकी लोकेशन है, और चक्री रोड के ऊपर अगर देखा जाए तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट इस टाइम कोई भी नहीं है। अगर हाँ है तो वो लाहौर स्मार्ट सिटी जिन्होंने दिया है, कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले उनका है, HR वालों का, हबीब रफीक वालों का वो है, या फिर ब्लूवर्ड सिटी है, लेकिन उसकी प्राइजेस जो है वो इतनी हाइप है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट इंसान नॉर्मल पर्सन जो है वो कर नहीं सकता, उसकी पेमेंट प्लान्स बहुत बड़े हैं। इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी के अंदर हर वो गवर्नमेंट मुलाजिम, हर बंदा जो है, हर तरह तबके का बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है ब्लूवर्ड सिटी के अंदर कर सकता है, और ब्लूवर्ड सिटी बहुत सारी आपको ऑफर्स भी जो है वो देती है, डिस्काउंट्स ऑफर बहुत सारी जो है आप लोगों को देती है ओवरसीज के अंदर या जनरल ब्लॉक के अंदर, अभी तक कोई ऑफर ऐसी नहीं दी गई। तो नाज़रीन, ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इस टाइम मैं जाती ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना बनती है, उसकी बुनियादी वजह कि 3 से 3.5 साल इसको हो गए हैं मार्केट के अंदर, इसकी फाइल्स को ट्रेड होते, बैलेटिंग भी हो गई, प्लॉट नंबर भी अलाट हो गए, और सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और इसके अंदर जो आपको अपनी मर्जी के नंबर भी जो है कुछ लोगों ने प्लॉट्स नंबर भी अलाट करवाए, तो इस टाइम उसकी NOC जो एक बहुत बड़ा रूमर्स था और एक बड़ा इफेक्ट था और एक ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर जो है वो नाकामी की एक सीढ़ी थी, उसको भी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से जो है, ठीक है आप उसको कंप्लीट NOC नहीं कह सकते RDA की तरफ से, या उसको इतना आप मजबूत NOC नहीं कह सकते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है आपको दिया, तो ठीक है जी, बेशक वो किसी तरह भी उसको NOC मिला है, जिस तरीके से किंगडम वैली को या अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाटा से या लोकल सतह के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट होती है तो वो NOCs देती है, तो इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी को भी जो है वो NOC अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो है दिया गया है। और डेवलपमेंट जो सबसे मेन चीज होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका डेवलपर, उसकी मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है और उसके लिए दिन रात काम करती है, तो वो प्रोजेक्ट यकीन माने कि वो कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होते और वो कभी जिंदगी में जो है ना नाकामी का बायस अपने मेंबरान को या किसी भी परेशानी का सामना मेंबर जो है वो नहीं देखते। तो इसकी ब्लूवर्ड सिटी की आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 गेट भी मुकम्मल हो चुके हैं, 3रे गेट के ऊपर काम हो रहा है, मोटरवे वाली साइट्स के ऊपर चौधरी नदीम जाह साहब, नईम जाह साहब लैंड भी जो है वो परचेज कर रहे हैं, डेवलपमेंट मशीनरी जो है वो हजारों सैकड़ों के हिसाब से वहां पे साइट के ऊपर मशीनरी है। आप साइट के ऊपर एक बार विजिट करें और देखें कि साइट के ऊपर कितनी मशीनरी जो है वो साइट के ऊपर काम कर रही है, मेडिकल क्लिनिक हो, बुर्जुल अरब हो, या वाटर थीम पार्क हो, हॉर्स मस्कट हो, या फोर्सेस कैडेट स्कूल हो, या बुर्जुल अरब हो, यानी जितने भी उन्होंने बड़े बड़े फीचर्स का अनाउंसमेंट्स जो है वो की हुई है अपने मेंबरान के साथ, तो हम दुआ गो हैं कि जितनी भी उन्होंने चीजें जहां प्लेटिनियम पार्टनर्स के साथ मैनेजमेंट ने आज तक जितने भी वादे किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फुलफिल किए हैं और उसको वो उन्होंने अभी तक तो पूरा किया, आगे जो है उस चीज की हम गारंटी या जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन इस टाइम हम ये समझते हैं कि ब्लूवर्ड सिटी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट और चक्री के ऊपर जो है किंगडम वैली NOC वाला और बगैर NOC के चक्री रोड के ऊपर जो एक प्रोजेक्ट है ब्लूवर्ड सिटी, इसके अंदर आपकी जाती इन्वेस्टमेंट मैं ये समझता हूँ कि होनी चाहिए और आप लोगों को करनी चाहिए, बेशक वो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर करें, अवामी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स के अंदर करें, जनरल ब्लॉक के अंदर करें, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 1 के अंदर करें, प्लॉट नंबर मर्जी का अलॉट करवाएं, सेक्टर 2 के अंदर, जहां पर भी आप
जो भी आपका बजट हो उसके रिगार्डिंग आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पार करनी चाहिए, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर आपको जो है देखें कि गली मोहल्ले में, गांव में या अपने जिस शहर से भी हैं तो वहां पर भी आपको कम से कम जो है एक मरला प्लॉट जो है वो 5-7 लाख रुपया अच्छी जगह के ऊपर मिलता है। तो ये तो फिर आपकी जो है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक सोसाइटी है और एक टूरिस्ट सिटी है। लेकिन देखिए वहां पर लोगों ने आके अपनी रिहायशें अख्तियार करेंगे तो अगले 10 साल बाद करेंगे, लेकिन इस टाइम चक्री के ऊपर टूरिस्ट सिटी के हवाले से जितने उन्होंने फीचर मुतारिफ करवाए वो ब्लू एरिया के अंदर तो हो नहीं सकती थी, इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे हमारा ऑफिस है F10 मरकज सेक्टर के अंदर, क्योंकि वहां पर जितनी भी एरिया था वो क्लोज हो चुके थे। इस टाइम जितने भी फीचर थे या जितनी भी चीजें थी वो ब्लूवर्ड सिटी के अंदर ही मुतवक्के थी और ब्लूवर्ड सिटी के अंदर ही हो सकती थी। तो नाजरीन ब्लूवर्ड सिटी जिन मेम्बरान ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट की, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं और उनके साथ जितनी भी हमने सर्विसेज उनको दी, इंस्टॉलमेंट्स पेड करवा कर दी या जितनी भी चीज़ें थी आप तमाम अहबाब के सामने थी कि हमने डिस्काउंट्स लेकर दिए, अच्छी ऑफर्स उनको दी। इस टाइम भी हम ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के वाटर थीम पार्क और वाटर फ्रंट पार्क की डील्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और हम डे फर्स्ट से जो है वो ब्लूवर्ड सिटी के ऑथराइज्ड रियल्टर हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं, उसके साथ मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। आपने किसी भी रियल्टर के थ्रू प्लॉट लिया हो तो अगर आप सेल परचेज करना चाह रहे हो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक के अंदर, तो जरूर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह जो भी फिजिबिलिटी होगी, जो भी चीजें होंगी, आप तमाम अहबाब के साथ जो है वो डील किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन और जबरदस्त किस्म की जो है वो सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी टीम काम कर रही है, सिल्वर सिटी, इक्टर वैली, ताज रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स या रूडन इनक्लेव, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसके अलावा सैमर मंडर सिटी, नोवा सिटी, दिलाक रेजिडेंशिया, तो सो जितने भी ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आते हैं उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम काम कर रही है। आप एनी टाइम 24/7 मेरे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और तमाम तर सर्विसेज से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की डिटेल्स आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह आपका और सबका हामी होना से रखता है।